कुछ भी कर लीजिए, हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, यूपी में बीजेपी जीतेगी, देश में मोदी जी आएंगे। कुछ भी कर ले, भागेगी तो बीजेपी ही। बिल्कुल, कर्नाटक में भागी, कहाँ भागी कर्नाटक, कहाँ गए? अरे तो जेडीएस का जो है वोट कम हुआ है, सरकार है। नहीं नहीं, रुपए की कीमत नहीं गिरी, डॉलर की कीमत बढ़ी है। बताओ ना सरकार वाले नीति। अरे यार उसे छोड़ो, बच्चियां न्याय मांग रही है, सरकार से कहो न्याय दे। इसके सम्मानित पत्रकार कौन है? सम्मानित सुधीर चौधरी जी। ठोकर पे रखते हैं ऐसे गद्दार को, दलाल को, गद्दार हो और जो 100 करोड़ की रिश्वत मांग के तिहाड़ जेल में रह आया हो, गद्दारी तो होगा राष्ट्रवादी। अरे वो भी तो है तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन सिसोदिया है। अरे यार मैं कह रहा हूँ, जो से तुम राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही देश की बात करते हैं आप लोग, देश के खिलाफ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं आप लोग। अरे यार मैं तो आतंकवादी भी हूँ, मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, मैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग भी हूँ, मैं मवाली भी हूँ, मैं भेड़िया भी हूँ, मैं परजीवी भी हूँ, और कोई उपाधि रह रही हो वो भी दे दो। 13 महीने के सर्टिफिकेट पर सब लिखे भाई मेरे पे। तो कितने महीने बेरोजगार रहे हैं? 13 महीने के बाद कितने दिन तक बेरोजगार रहे आप? हम तो बेरोजगार ही हैं, रोजगार दिया किसने? अगर रोजगार दोगे तो जंतर मंतर पे क्या करना आएंगे? जंतर मंतर पे बेरोजगार ही आते हैं। रोजगार मिल जाता है यहाँ पर, आंदोलन का रोजगार मिलता है। नहीं अरे अपनी बात ना कहे, कायर बन जाए, जो 13 महीने बाद भी नाक रगड़वा के माफी मंगवा के तब आए थे बंगाल चुनाव में। बढ़ाई नहीं थी दाढ़ी? बढ़ाई थी या नहीं बढ़ाई थी? बढ़ाई थी तो आपने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई, आप दाढ़ी छोटी कर ली तो किस चुनाव के लिए करी? हाँ देखते रहो, देखिए जब बहरूपिया अपना रूप बदलता है तो पता चलता है, पता जब रूप बदल के आता भेस में तब पता चलता कि आज किस रंग में आया है। हम सरकार से न्याय मांग रहे हैं, सरकार को न्याय करना है, पुलिस अपना काम करे। क्यों नहीं कर रही पुलिस अपना काम? एक बार की पूछताछ तो होती है, किस व्यक्ति ने उसके हाथ बांध रखे पुलिस के? अरे भाई दिल्ली पुलिस बुलाई थी, एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है और आगे जो कार्रवाई होगी प्रक्रिया होगी पुलिस करेगी। क्यों ये भी कुश्ती चल रही है कि पहला राउंड है, अब दूसरा राउंड चलेगा, फिर तीसरा राउंड चलेगा? बिल्कुल इंट्रोगेट तो ऐसे किया जाता है। क्या और के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाती है सरकार? क्या अगर मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले बुला के पूछताछ करेंगे? अगर मेरे खिलाफ FIR करा गया और थोड़ी देर के लिए अगर मैं ना मिलूं तो मेरे सारे घर को उठा के थाने में बैठा लेगी। के संविधान में कहां लिखा सांसद को अलग कानून है? उनके लिए अलग ही कोर्ट है, MPLA कोर्ट होता है उनके लिए। कोर्ट अलग है, संविधान अलग नहीं है, धाराएं अलग नहीं है। तो कानून भरोसा नहीं है आपको? ना कानून पर भरोसा होता तो यहाँ क्यों पढ़ते? कुछ भी कर लीजिए, सरकार झुकने वाली नहीं है अब। अरे झुकती है सरकार, है झुकाने वाला चाहिए, पहले झुकाई फिर झुकाएंगे। बच्चे लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब बच्चे कुश्ती में नहीं किसी से हारे तो ऐसी सरकारों से हार के जा रहे हैं, जीत के जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया है, उन्होंने यहीं पर कहा कि देखिए अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 21 तारीख के बाद हम लोग रामलीला मैदान जाएंगे, आंदोलन जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बच्चे डिसाइड करेंगे 21 तारीख को महम के चबूतरे पर, खाप चौधरियों की पंचायत होगी, उसमें क्या निर्णय निकलेगा उस निर्णय के आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। चौधरी चौधरी कर रहे हो आप? चौधरी चौधरी क्या होता है? चौधरी चौधरी का मतलब क्या हो समझा? तो हर जाति में जो बड़े लोग होते हैं जिनका हर लोग सम्मान करते हैं उन्हें चौधरी कहते हैं, समझ गए? हर जाति में होते हैं चौधरी। मोदी का सम्मान तो पूरा देश करता है सर। नहीं हमने अपमान कहाँ करा, हम तो न्याय मांग रहे, और न्याय मांगना अगर भारत में अपराध है तो इस अपराध को तो जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। आप पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग देशद्रोही हैं, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे क्यों करा रहे हो तुम बेइज्जती? बच्चों की मांग मान लो, बच्चे घर को चले जाएंगे खत्म, तो इसका मतलब दुनिया में बेइज्जती भारत सरकार करा रही है बच्चों का अपमान करके। अरे एक बात बताइए, जब वो निर्दोष हैं तो क्या जब कमेटी ने कहा था कि भैया आप लोग कुछ ऑडियो वीडियो दीजिए, ये लोग कुछ दे ही नहीं पा रहे? एक बात बता, जब किसी के साथ यौन शोषण होता है तो पहले से वहाँ कैमरा लगा के रखे कि तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे? किसी के ऊपर ऐसे लगा देंगे क्या आरोप? कौन है? तुम लगा के देख लो, और जो कहता हो वो अपनी बेटियों से लगवा के देखा दो, अपनी बेटियों की बेइज्जती करा के देख लो। अगर यौन शोषण के भी सबूत मांगे जाएंगे तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं हो सकता। क्यों नहीं चाहते डेलीगेशन जाए? क्यों जाए हम मिल लीजिए, क्यों जाए हम?
वो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर नहीं है। आप गुंडाई कर रहे हैं क्या? सरकार को धमकी दे रहे हैं आप? और तुझे धमकी लगती हो तो सरकार धमकी समझ ले भाई। जब हम कह रहे हैं सरकार जनता की नौकर होती है, जनता मालिक होती है, और अगर नौकर मालिक की नहीं सुनेगा तो जनता का फिर प्रकोप उसको झेलना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि हरेंद्र ताऊ को जब पैसा मिलता है जितने दिन का घंटे का, हरेंद्र ताऊ तभी आते हैं। अगर हरेंद्र ताऊ बेटियों के लिए इंसाफ चाहते तो यहीं पर बैठते हैं, ऐसा आते ही नहीं रात में। जो व्यक्ति मेरे लिए पैसे की बात करता है उसका धन्यवाद, कम से कम देखे तो जाए, आने जाने का किराया लिखड़िया होगा। उस दिन कांग्रेस दफ्तर गया तो कुछ मिला था क्या? हाँ मिला था। क्या मिला? स्विस बैंक में जमा भेज मोदी से पकड़वा ले। वो तो मनमोहन सिंह का जमा, सोनिया गांधी जमा है, राहुल गांधी जमा। अरे मेरा भी जमा, तू बता नहीं रहा मुझे पैसे मिले तो वो सारा स्विस बैंक में करा मोदी से चेक। हिम्मत है सरकार में तो कराओ चेक, वो सारा मेरा स्विस बैंक में करा ले जांच। भाई वाह मौज करती, वाह वाह। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेगी सर, सीबीआई। ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो ताऊ के हाथ में लग जाए। ये अपराधियों की नहीं देशभक्तों की कलाई है, और देशभक्तों की कलाई पे कभी हथकड़ी नहीं लगी। देखा चंद्रशेखर आजाद के पता कभी हथकड़ी लगाई हो किसी ने? कोई तो हम तो वो क्रांतिकारी हैं। बढ़ोतरी खराब हो जाएगी ताऊ, क्या रहिए आप? आना फ्री जाना फ्री, सरकार पकड़ ले तो खाना फ्री, और लठ भी फ्री है साथ में। लठ मार नहीं सकती क्यों? कोई क्यों, मैंने कोई चोरी की है जो लठ मारेगी? या मैंने कोई अपराध किया है? या मैंने महिला शोषण किया है? ब्रजभूषण तो कह रहे ना कि फंडिंग हुई इसमें, और ये सारे लोग 2024 चुनाव लड़ेंगे। देखिए जो भी हमारे लिए फंडिंग की बात करता हो वो सबसे पहले मोदी के मुंह पे चांटा मारता कि इनके होते हुए हम पे फंडिंग आ कैसे गई। सरकार उसकी, ईडी उसकी, सीबीआई उसकी, इनकम टैक्स उसका, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, ना हराम की दौलत खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। सही से आप तो चल भी नहीं पाते ताऊ, कैसे तो फिर कमा लेते हैं पैसा? क्या सही से चल भी नहीं पाते आप? क्यों चलने में मुझे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है मुझे? आप ही नहीं बताया था कुछ प्रॉब्लम पैर तो क्या हो गया? मेरे देश में तो ऐसे ऐसे भी है जिनके हाथ भी नहीं है। तो क्या काम करते हैं? मजदूरी। हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ देश में ना संविधान है ना लोकतंत्र है, बादशाह की सरकार है, तो इसे लोकतंत्र खतरे में हो गया नहीं हो गया आपके कहने के मुताबिक? संसद भवन का उद्घाटन 26 मई को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। क्यों पुरानी ढहगी है? पुरानी ढहगी क्या? मोदी तो गए, क्या कारण था पुरानी में? अरे पुराने जमाने का था, नए जमाने के हिसाब से बना। तो राष्ट्रपति भवन भी ढवाओ, पुराना हो गया वो तो सबसे पहले। और मोदी को भी हटाओ, ये भी पुराना हो गया। नए लौंडे बुलाओगे प्रधानमंत्री पे? 9 साल राहुल गांधी को लाया जाए, 9 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। क्या जश्न मना रहे हैं? क्या मनाओगे? जो काम किए वो लोगों में जा जाके बताएंगे, 9 साल पूरे हो गए। जनता जुत्ता लियो बैठी, लाल किले से जो जो भाषण दिया था। अब शब्द इतने क्यों बोलते हैं? अब शब्द क्यों बोलते हैं? जनता स्वागत कर रही है। हाँ तो जूते देखिए आप, अरे नाटक मत करें। जूतों की माला तैयार लिए बैठी है। आप अपमानित करते मोदी जी को? बिल्कुल करेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो अपमानित भी करेंगे, खूब करेंगे। जब कर्म ऐसे हैं, जब जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल जो लेंगे। दुकान खोलकर बैठे हुए आप लोग ना आंदोलन वाली, ये दुकान 24 में पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ताला लगेगा इस पर। इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ जो आंदोलन की दुकान बंद कर दे। चैलेंज ये कह रहा ना, दुकान बंद हो जाएगी आंदोलन वाली। आप देख लीजिए अभी आपके पास समय 1 साल का पूरे, आज जितना करना कर लीजिए, उनसे बदनाम को ना कर। उनसे कह दो कि उनके पास 1 साल से भी कम समय बचा है, कम सुधर जाए वरना देश की जनता सुधार देगी। 47 तक मोदी जी है, 47 तक मोदी जी, 25 में दूसरा। जिस दिन चुनाव होकर रिजल्ट आएगा प्रधानमंत्री कोई और होगा। 50 साल के जो है सीनियर को युवा बताया जा रहा है, 50 साल के सीनियर को। अब तुम गधे को साबुन से नहा के घोड़ा बताओ तो मेरी तो गलती है नहीं। मैं राहुल गांधी बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी बात कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हारी, अब देखो पलट गए, पहले नाम क्यों नहीं लिया था? ये बताओ आप कह रहे हो 24 में दूसरा प्रधानमंत्री, तो कौन देगा टक्कर मोदी जी को? कौन लग रहा है आपको? कल को ये अब कौन आएगा? आप बताओ ना
140 करोड़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। कहते विपक्षी कमजोर है। कौन कहता? लोग कहते कौन सा वो कहने वाला है? कौन उसे लाओ ना सामने, चेहरा बताओ ना कौन है। क्यों बता दे तुमने पूछा था? आप भी लोग थे। अरे सुन, जब कहती थी मंदिर बनाएंगे, आप लोग तारीख नहीं बताएंगे, तो उसी तरीके से बीजेपी पूछ रही है मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस कौन, बताइए। देश की जनता। कौन जनता? जनता कौन है? देश की जनता चुनाव लड़ती है। और सुन लो, आज के बाद पूछना भी मत। 543 सांसद चुनती है देश की जनता, और वो 543 सांसद चुनते हैं देश का प्रधानमंत्री। तो ये उनसे पूछना जब 543 चुन के पहुंच जाए। आज के बाद किसी से पूछना मत, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती, सांसद चुनती है। लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जिस दिन कांग्रेस जीती थी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है ऐसा टीवी वाले दिखा रहे हैं, तो कौन बनेगा? तीसरा नाम भी आ रहा है सामने। देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कांग्रेस का बनेगा, ये सवाल कांग्रेस से करो। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनी, कांग्रेस की सदस्यता मेरे पे नहीं है। तो एक बात बता, कभी बारात में गया नहीं गया? तुझे पता कि दूल्हे को क्या क्या मिलेगा? तू तो बारात में गया, खाना खा निकड़। बाराती का कोई मतलब नहीं होता। बहुत मतलब होता है। आज की तारीख में वाला भी बना जाता है, पता है आपको? आज की तारीख में जितने बाराती जाना, लड़की वाले का घर ना देखते, उसमें से मेरी जॉब में से घर को वापस चल दे खाना खा के। अगले के फेरे पड़े या ना पड़े, जाओ नाश्ता करो घर को चल दो। मतलब किसी का अच्छा वक्त आ जाए लड्डू खाने चले जाएंगे, बुरा वक्त आ जाए आप झांकने नहीं जाएंगे। अरे मैं क्यों जाऊं मोदी के, मैं क्यों जाऊं जिसका बुरा वक्त। देखिए, डूबते जहाज पे कोई माई का लाल नहीं चढ़ता, ध्यान रखना। तमाम वो बीजेपी का डूबता जहाज है। तमाम लोग कह रहे थे कि 24 में जो है कि मोदी टक्कर जो है खड़गे साहब देंगे, और अब खबरें आ रही है कि खड़गे साहब जो है वो भी सीएम की रेस में शामिल हो चुके हैं। अच्छी बात है, जो भी होगा हो जाओ, जो जो रेस में शामिल होगा अच्छी बात है, कम से कम पता तो चल जाएगा। देखिए, सीएम बनेगा कांग्रेस का और सीएम भागा बीजेपी का, दर्द तुम जैसों का हो रहा है। क्यों दर्द कर रहे हो? जब बन जाएगा तू भी देख लिए, मैं भी देख लूंगा। देशभक्त पार्टी, इसीलिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं वे लोग। कौन? बीजेपी वाले। सारा तो बेच लिया, क्या बढ़ा रहे आज? अरे सुनो भाई सुनो, आज आप बताओ, मोदी ने जब तक लाल किले पे खड़े होके जो जो भाषण दिया उसमें से एक पूरा बता दे कौन सा करा? सबको घर मिल गया, घर में नल है, नल में जल है, है? ना घर मिला, ना नल मिला, ना जल मिला। हाँ, एक चीज मिला, बेटियों की अस्मत लूटी, किसानों की आत्महत्या बढ़ी, बच्चों को रोजगार नहीं मिला, और जो जो लोग थे उनकी पेंशन नहीं मिली, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। अब